हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक सब्जेक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 26 जून 2020 से निफ्टी के जो इंडेसेस में जो स्टॉक्स है उसमें फेरबदल होने जा रहा है। काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो इंडेसेस से बाहर जा रहे हैं और काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो इंडेसेस के अंदर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे न्यूज़ अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, यहाँ पे हजारों कंपनियां लिस्टेड है। इसके साथ साथ काफी ऐसे इंडेसेस भी बनाए गए हैं जिसमें एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें से अच्छे परफॉर्म करने वाली कंपनियां हैं उनको सिलेक्ट करके इंडेसेस में डाला जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडेसेस में रैंडम किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करके डाल दिया जाता है। इसका भी एक क्राइटेरिया है। अगर कैटेगरी की बात करें तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो इंडेसेस है उनका जो ब्रॉड कैटेगरी है वो ये है कि ब्रॉड मार्केट इंडेसेस है, इस पे सेक्टोरल इंडेसेस है, स्ट्रेटेजिक इंडेसेस है, थीमेटिक इंडेसेस है और फिक्स्ड इनकम इंडेसेस है। तो इन सारे इंडेसेस के एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जिसको फुल फिल करने के बाद ही कोई भी कंपनी इस इंडेसेस के अंदर आ सकती है। तो जो कंपनियां डिफरेंट इंडेसेस का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करती हैं तो उन्हें इंक्लूड कर लिया जाता है, और जो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं उनका परफॉर्मेंस अगर खराब हो जाता है, इंडेसेस के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती हैं अगर फ्यूचर में, तो उनको इन इंडेसेस में से एक्सक्लूड भी कर दिया जाता है। तो ये जो एक्सक्लूड और इंक्लूड का जो प्रोसेस है वो साल में 2 बार होता है। तो अभी 26 जून से फिर से ये होने जा रहा है और इसमें काफी इंडेसेस में से काफी स्टॉक्स जो हैं उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, काफी स्टॉक्स को जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। और ये जो एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का जो काम होता है दोस्तों, वो करती है इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमिटी करती है, जिसको शॉर्ट में हम लोग IMSC भी बोलते हैं, जो कि ये डिसाइड करती है कि किस स्टॉक्स को एक्सक्लूड करना है किस इंडेसेस में से और किस स्टॉक्स को इंक्लूड करना है किस इंडेसेस में। तो इस कमिटी ने इस बार काफी चेंजेस किए हैं और ये जो चेंजेस होगा दोस्तों 26 जून 2020 से इफेक्टिव होगा, यानी 26 जून से जिन को इंक्लूड किया गया है वो इंडेसेस के अंदर आ जाएंगे और जिनको एक्सक्लूड किया गया है वो इन इंडेसेस से बाहर चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो चेंजिंग हुआ है डिफरेंट इंडेसेस में उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यानी जो स्टॉक्स इस इंडेसेस में थे वही स्टॉक्स इंडेसेस में रहेंगे। इसके बाद जो दोस्तों इंडेक्स आता है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। जिनको जानकारी नहीं हो उनके लिए बता दूं कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 दो इंडेसेस हैं। निफ्टी 100 में से जब निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको हटा दिया जाता है तो जो 50 स्टॉक बचते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेसेस में रहते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में से जिन स्टॉक्स को इंक्लूड किया जा रहा है वो है एबॉट इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। यहाँ पे लगभग 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको इंक्लूड किया जा रहा है, तो 5 स्टॉक ऐसे भी होंगे जिनको आउट किया जा रहा होगा। तो चलिए उनका भी लिस्ट देख लेते हैं। तो जो 5 स्टॉक आउट किया जा रहा है उसका लिस्ट है, पहला है अशोक लेलैंड, दूसरा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तीसरा है L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, चौथा है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड पांचवा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इसके बाद दोस्तों निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है उसमें अपोलो टायर्स को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है और वो रिप्लेस होगा बाल कृष्ण इंडस्ट्री से। अगर हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स की बात करें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो है उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, और जिसको इंक्लूड किया जा रहा है उसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। इसके बाद दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में HDFC AMC और पीरामल इंटरप्राइजेज को इंक्लूड किया जा रहा है, और जो एक्सक्लूड किया जा रहा है वो है एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसके बाद दोस्तों निफ्टी FMCG से गोदरेज इंडस्ट्री को हटाया जा रहा है और जो इंक्लूड किया जा रहा है उस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। अगर निफ्टी PSU
बैंक इंडेक्सेस की बात करें तो इसमें किसी स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक स्टॉक को एक्सक्लूड किया जा रहा है जिसका नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसके बाद अगर आईटी इंडेक्स की बात करें तो जिन कंपनियों को इससे एक्सक्लूड किया जा रहा है उसका नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, दूसरा है जस्ट डायल लिमिटेड, तीसरा टाटा इलेक्सी लिमिटेड, और जिनको इंक्लूड किया जा रहा है उसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, एम्फेसिस लिमिटेड। इसका निफ्टी मीडिया में दोस्तों 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, जिसमें पहला नाम है बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, दूसरा है जंप नेटवर्क्स लिमिटेड, तीसरा है नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, चौथा है सारेगामा इंडिया लिमिटेड, पांचवा है जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड। और जिनको इंक्लूड किया जा रहा है वो है सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम है हैथवे केबल एंड डाटा कॉम लिमिटेड। निफ्टी फार्मा इंडेक्सेस में जिनको आउट किया जा रहा है वो कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, और जिनको इन किया जा रहा है वो भी 2 स्टॉक है, उनका नाम है एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड एंड टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। निफ्टी रियलिटी की अगर बात करें तो इसमें जिस कंपनी को एक्सक्लूड किया जा रहा है उसका नाम है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड, और जिसको इंक्लूड किया जा रहा है वो है ओमैक्स लिमिटेड। निफ्टी कमोडिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 स्टॉक को एक्सक्लूड किया जा रहा है और 2 स्टॉक को इंक्लूड किया जा रहा है। एक्सक्लूड करने वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें पहला है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, और दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। जिनको ऐड किया जा रहा है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और दूसरा है अतुल लिमिटेड। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन की अगर बात करें तो पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड को यहां से एक्सक्लूड किया जा रहा है और जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड को यहां पे इंक्लूड किया जा रहा है। निफ्टी एमएनसी की बात करें तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एक्सक्लूड किया जा रहा है और एबीबी इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा है। यहां भी जो चेंजिंग है वो सिर्फ एक स्टॉक का है। इसके बाद निफ्टी के सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो यहां 2 स्टॉक को एक्सक्लूड किया जा रहा है, 2 स्टॉक को इंक्लूड किया जा रहा है। इंक्लूड होने वाले जो स्टॉक्स हैं वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और जिनको इंक्लूड किया जा रहा है वो है ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड दूसरा है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं एक चीज ये जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जो कंपनी इंक्लूड हो रही है इसमें कोई शक नहीं है कि वो कंपनी अच्छी हो सकती है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो कंपनी एक्सक्लूड हो रही है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंपनी खराब हो गई है। तो जो इंक्लूड हुई है और जो एक्सक्लूड हुई है आप इन दोनों कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और उस कंपनी के फंडामेंटल्स और जो अदर डिटेल्स होते हैं सारे डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, इन पे रिसर्च कर सकते हैं ताकि आपको आगे की जो स्ट्रेटजी है किस स्टॉक में आपको पैसा लगाना है किसमें नहीं लगाना है उसमें आपको यहाँ से थोड़ा मदद मिल सकता है। पोर्टफोलियो के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन में भी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।